हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, डाउनलोड करते हैं वर्चुअल बॉक्स को। वर्चुअल बॉक्स की जो फर्स्ट लिंक आएगी www.virtualbox.org पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये लिंक ओपन हो जाएगी, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आपको लिनक्स के लिए है, विंडो के लिए है, तो हम इसे विंडो में डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे, तो डाउनलोड होने में कुछ समय लगेगा। तब तक हम काली लिनक्स का ऐसे फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप टाइप कीजिए काली लिनक्स, प्रेस कीजिए एंटर। यहाँ पे वो काली लिनक्स की फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, www.kali.org पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट हम काली लिनक्स की ऐसे फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर डाउनलोड क्लिक कीजिए। देन नेक्स्ट इसके बाद आप फर्स्ट जो ऑप्शन है कंप्लीट ऑफलाइन इंस्टॉलेशन विथ कस्टमाइजेशन, आप इसे टोरेस्ट या डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, तो हमने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो हम भी इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। हम सिंपली वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे और उसमें डाउनलोड हुए काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। एंड फिर हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम इसमें काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो चुका है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यस कर, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आप इसे डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल कीजिएगा, कोई भी चेंज मत कीजिए। नेक्स्ट यस इंस्टॉल। तो इसे इंस्टॉल होने में लगभग 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा, तो हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे फिनिश करेंगे। यहाँ पर इसे चेक कराने दीजिए, स्टार वीएम वर्चुअल बॉक्स आफ्टर इंस्टॉलेशन, फिनिश पर क्लिक कीजिए। तो वर्चुअल बॉक्स हमारा ओपन हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर न्यू पर क्लिक करें, अपने वर्चुअल मशीन का नाम आप सेट करते हैं। यहाँ से तो हम नाम लिखेंगे काली लिनक्स, इसके बाद इसे सेटअप कर लें। अगर आपने नाम कोई और लिखा है तब तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट में सेट हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर रैम दे दीजिए, तो काली लिनक्स वहाँ मिनिमम 2 GB रैम दीजिएगा, यहाँ पर हम 4 GB रैम दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पर वर्चुअल बॉट डिस्क इमेज पर नेक्स्ट कीजिए, डायनेमिक लोकेशन नेक्स्ट, एंड यहाँ पर स्टोरेज हम आप मिनिमम 14 GB दीजिएगा, यानी 40 GB, यहाँ पर हम 80 GB देंगे, 70 GB ही रहने देते हैं इसे क्रिएट। इसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग में जाइए, यहाँ से सिस्टम सेटिंग में जाइए एंड प्रोसेसर पे, यहाँ से आप 2 प्रोसेसर को सेलेक्ट कर लें, ग्रीन तक सेलेक्ट कर लें आप। इसके बाद इसे फुल पर आने दें एंड मदरबोर्ड में आप यहाँ से रैम को चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं यहाँ से। इसके बाद स्टोरेज पे आइए, यहाँ पर एम्प्टी, यहाँ पर हम अपनी आईएसओ फाइल को, काली लिनक्स की आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करेंगे। एम्प्टी पर जाइए, यहाँ से चूज काली लिनक्स,
हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऐसे फाइल को एंड ओपन। इसके बाद हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। हमारा काली लिनक्स इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ग्राफिकल इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए या फिर आप इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ये भी अपने आईएसओ फाइल को डिटेक्ट कर रहा है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो हम यहाँ पर इंग्लिश ही रहने देते हैं। कंटिन्यू, कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। कंटिन्यू, कीबोर्ड को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर आपको इसको इंस्टॉलेशन में कोई एरर आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। आप इसे विदाउट इंटरनेट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्वर नेम पूछा है तो हम इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा होस्ट नेम पूछ रहा है तो हम होस्ट नेम काले ही रहने देते हैं एंड डोमेन नेम को भी हम नहीं डालेंगे एंड यहाँ पर हम यूजर नेम डाल देते हैं AIT सिक्योरिटी। इन एंड कंटिन्यू कंटिन्यू। आप यहाँ पर कोई भी रैंडमली पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंटर कीजिए पासवर्ड को अपने। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इसे फर्स्ट ऑप्शन को ही कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू एंड यहाँ पर आप ऑल इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड है तो आप इसे ही नेक्स्ट कर दीजिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर फिनिश कंटिन्यू करते हैं और इसको ये पूछ रहा है कि क्या पार्टीशन में हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली यस करते हैं। कंटिन्यू, एंड इसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू कर चुका है तो हम इसे वेट करते हैं। तो अभी हमें इन सभी फाइलों को जो भी इंस्टॉल करते समय चाहिए आपको उसको सेलेक्ट कर लें, तो हम ये सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने का। उसमें हमें 2 से 3 मिनट लगा है। इसके बाद हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर कंटिन्यू क्लिक करेंगे।
यहाँ पे अभी हमें 30 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, तो हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं और जब ये कंप्लीट होगा तो हम वापस वीडियो शुरू करेंगे। एंड अभी हमारा बूट लोडर इंस्टॉल होने वाला है, तो हम यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू। यहाँ पर हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू। तो हमारा ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। तो वह हमने काली लिनक्स को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, तो हम सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये रीबूट होगा, हम वेट करेंगे इसके रीबूट होने तक का। तो रीबूट हो चुका है, इंटर प्रेस कीजिए। हम वेट करेंगे इसके ओपन होने का, इसके बाद पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तो हमने काली लिनक्स सेटअप करते समय जो पासवर्ड डाला था उसी को यहाँ पर भी डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। इंटर प्रेस कीजिए।